आप बोलिए, आगे बढ़िए। कल हमने कस्टम फॉर्मेटिंग किया था, आज हम करते हैं फिल्टर एंड सॉर्टिंग। देखते हैं फिल्टर सॉर्टिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए कुछ डेटा है मेरे पास यहाँ पे, तो सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, जब हमें अपना डेटा सीरियलाइज करना होता है सही तरीके से, जैसे हम देखना चाहते हैं कि डेट से जैसे पहले कौन सी डेट आई, मतलब लेटेस्ट डेट से ओल्डेस्ट डेट तक, या ओल्डेस्ट डेट से लेटेस्ट डेट तक, नाम अल्फाबेटिकल सॉर्ट करना है, ए वाले पहले आ जाएं, जेड वाले लास्ट में आ जाएं, इसी तरह से ए से जेड तक। सिटी को हम सिटी वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, चाहते हैं फरीदाबाद की सेल जहाँ भी हो वो इकट्ठे दिखाए, यहाँ संदीप है तो या इसकी सेल्स इकट्ठे दिखाए, यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरह से हमें किसी जब सॉर्टिंग करनी होती है। देखिए सॉर्टिंग करते कैसे, पहले तो आप किसी को भी सिलेक्शन रखे रहने दें, यहाँ पे होम टैब में आपके पास यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर के कुछ ऑप्शन है। जब आप सॉर्ट ए टू जेड करते हैं यहाँ से, क्या करता है, जो आपका कॉलम सिलेक्टेड होता है, जिस पे आपका कर्सर होता है, उसके हिसाब से सॉर्ट हो जाता है। तो पहले देखिए ओल्ड डेट तो यहाँ दिखाई रहा है, ओल्ड से लेकर न्यू तक, न्यू बड़ी वाली डेट जो है वो नीचे है, तो ए से जेड का मतलब भी वही होता है, मतलब छोटी वाली ऊपर बड़ी वाली नीचे, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ऑलरेडी है। अब न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करना है, अब जब क्लिक करेंगे इसको उल्टा हो जाएगा। तो अभी क्या चक्कर हुआ है, इसमें मैंने फॉर्मूले डाल रखे हैं, फॉर्मूले मैं हटा देता हूँ इनको। अब देखिए यहाँ पे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करता हूँ तो जो लेटेस्ट डेट है वो यहाँ आ गई, बाकी सारी नीचे चली गई, अगस्त फिर जुलाई ऐसे ऐसे नीचे चली चली गई। तो जहाँ पे आप करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक रख के और यहाँ से सॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ ए वाले इकट्ठे हो गए, फिर बी, फिर एच, तो इसके हिसाब से और इसके साथ आसपास का भी डेटा सॉर्ट होगा साथ में एक ही ऑप्शन से। इसके सेल्स में जैसे शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट वाली फर्स्ट आ गई, फिर बढ़ती चली गई लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वाली पहले आ गई फिर घटती चली गई, तो ये आपका सॉर्ट होता है। ये इसको कहते हैं सिंगल लेवल सॉर्टिंग, मतलब हम एक ही के बेस पे सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मान लीजिए एक क्वेरी है, इसमें मैं कहता हूँ हर एक पर्सन की जितनी भी सेल है, पहले तो पर्सन वाइज सॉर्ट सॉर्ट होना चाहिए, फिर उस पर्सन की सेल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखानी चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन की, मतलब डबल लेवल में मुझे सॉर्टिंग करनी है। यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम सॉर्ट में,
अगर आपके हेडर्स, ये जो अगर हेडिंग जो है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो आप ये वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर ये अनचेक होता है तो आपके हेडर्स यहाँ नहीं दिखाता, इसको चेक करेंगे तो आपके हेडर्स ले लेगा। अब पहली चीज, पहला ऑप्शन मैंने कहा कि मैंने नेम नेम में पहले तो बंदे सॉर्ट करने हैं, उसके बाद जो मैंने लेवल ऐड किया कैसे सॉर्ट करने हैं, ऑर्डर जो रहेगा उसका रहेगा ए टू जेड में। देन बाय मैंने कहा सेल्स जो रहेगी वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहेगी, यहां से मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो जैसे एक बंदे को देखते हैं हम, इसकी आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेल देख सकते हैं, इसको देखेंगे, इनका भी ऐसे ही। तो इस तरह से हम इनमें लेवल ऐड कर सकते हैं कस्टम सॉर्ट के अंदर। अब चाहे तो और तीसरा लेवल आप सिटी वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं नेम वाले नहीं, मैं सिटी वाइज सॉर्ट करता हूँ, सिटी के बाद इसमें से बंदे जो है अल्फाबेटिक सॉर्ट करता हूँ, ये देन सेल्स। तो पहले सिटी सॉर्ट हो गई अहमदाबाद, फिर उसके बाद आदमी सॉर्ट हो गए ए से जेड तक में यहाँ, फिर उसके बाद सेल्स, अगर डबलिंग आती तो उसमें सेल्स भी उसी हिसाब से आपकी सॉर्ट होती। तो इस तरह इसमें आप 64 लेवल तक सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप 264 लेवल तक यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए सॉर्टिंग में हर एक के अलग अलग ऑप्शन आते हैं, मान लीजिए पहले डेट पे चलते हैं। डेट में हमारे पास दिखाता है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इन दोनों के हिसाब से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सेल कलर के बेस पे कर सकते हैं। ये तो रही वैल्यू की बात, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट दिखा रहा है, नंबर्स के लिए और डेट के लिए सेम दिखाता है, टेक्स्ट के लिए ए टू जेड दिखाता है। अब इसमें ये तो कोई वैल्यू की बात, अब बात करते हैं सेल कलर के ऊपर। अब इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स ऑडिट किए, मान लीजिए कुछ को हमने कलर कर दिया कि ये बंदे कुछ स्पेशल है या इनकी एंट्री गलत है या कुछ है, जो भी हमने इनको सॉर्ट कर इनको कर दिया सिलेक्ट। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम कहते हैं कि ये नेम में है, अब वैल्यू हमें सेल कलर के बेस पे सॉर्ट करनी है। यहां से सेल कलर आपका आ जाएगा जो भी अवेलेबल होगा, उसको कहाँ रखना है आपने, टॉप पे रखना है बॉटम पे रखना है, टॉप पे रखना तो आपके ये वाले ऊपर उठ के आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे दो कलर है, यहाँ कोई और कलर कर दिया हमने, अब एक ही सेल में दो कलर हो गए, यहाँ पे लेवल में क्या करेंगे, फिर अगेन नेम ऐड कर लेंगे, अगेन सेल कलर कर लेंगे और इसको इसको भी टॉप पे करेंगे। पहले वो जो पहले ऊपर होगा टॉप पे तो वो पहले टॉप पे आएगा, उसके बाद दूसरा नीचे जो है वो उस पे आएगा, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आप एक ही को भी बार बार रिपीट कर सकते हैं अलग अलग चीजों में। बाकी लेवल अगर आपको ऊपर नीचे करने हो तो यहाँ आप सिलेक्ट करके इसको इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए इसका, ठीक है। सॉर्टिंग में आपका इस तरह से चलता है, पर अब देखते हैं कुछ और इसमें। सेल कलर के अलावा यहाँ पे फॉन्ट कलर है, जैसे ही सेल कलर है आपका उसी तरह से फॉन्ट कलर रिफ्लेक्ट करता है। अगर यहाँ पे आपने फॉन्ट का कुछ डिफरेंट कलर, कॉपी लेवल सेम, ऊपर वाला लेवल नीचे आपको कॉपी कर देगा। मान लीजिए मैंने एक कलर कर रखे हैं, अब फॉन्ट कलर है, अब सेल कलर नहीं चेंज है,
कॉपी लेवल जैसे देखिए, मैंने यहाँ से डिलीट लेवल कर रहा हूँ, अब यही मुझे दोबारा चाहिए तो मैं कॉपी लेवल कर देता हूँ, अगेन आ जाता है इसी में जो चेंजिंग करनी है कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया फॉन्ट और यहाँ से मैंने चूज कर लिया जो भी कलर होगा यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो पहले येलो वाले आ गए, फिर मैंने फॉन्ट कलर वाले लगा दिए। ठीक है जी, और क्या है इसमें? सेल आइकॉन। अब ये सेल आइकॉन आपको दिखाने के लिए, इसको मैं जब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताऊंगा तो आपको सेल आइकॉन्स के बारे में बताऊंगा, पर उनका यूज कैसे, उनको इनका यूजेज मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, और आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कंडीशनल फॉर इसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ आइकॉन्स हैं, जैसे मैंने कलर्स के बेस पे सॉर्ट किया है तो आप इन आइकॉन्स के बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, या आइकॉन्स आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे सेल्स है, सेल आइकॉन, ये सेल आइकॉन आपको यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे राइट वाले मुझे टॉप पे रखने हैं, उसके बाद मैंने क्या करना है, जो क्रॉस वाले हैं वो डाउन पे रखने हैं बॉटम पे, बाकी मिडल में वो अपने आप ही आ जाएंगे। जैसे ही ओके करूंगा तो राइट वाले ऊपर में आ गए, बाकी एक्सक्लामेशन वाले बीच में आ गए, क्रॉस वाले डाउन में आ गए। ठीक है जी। अब मान लीजिए एक और चीज है हमारे पास यहाँ, मान लीजिए मुझे मंथ वाइज सॉर्ट करना है, यहाँ पे मंथ है, मंथ वाइज सॉर्ट करना है, और जब मैं मंथ वाइज सॉर्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मंथ में मैं जब सॉर्ट करता हूँ क्या होना चाहिए, जनवरी मुझे चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ हो क्या रहा है, ए टू जेड सॉर्ट कर रहा है, अप्रैल अगस्त दिसंबर एबीसीडी टाइप में। अब मुझे चाहिए जनवरी फरवरी में सॉर्ट करना है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, आपको आप लोगों ने कस्टम लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप कस्टम लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं सॉर्ट। कस्टम लिस्ट में से आप चूज कर सकते हैं कौन सी वाली आपकी है, जनवरी फरवरी वाली मैंने चूज कर ली। जनवरी फरवरी वाली लिस्ट मैंने यहां से चूज कर ली, ओके किया तो यहां पे ऑर्डर आ गया। ओके, अब ये जनवरी फरवरी के हिसाब से होगा। ठीक है जी, अब देखिए ये चीज आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कंपनी में क्या होता है कि हमारे डेजिग्नेशंस होती हैं, मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, जीएम हो गए, ये सब हो गए, तो उनको आप सॉर्ट नहीं कर सकते, उनको डायरेक्टर को सबसे टॉप पे लाना है, एग्जीक्यूटिव को सबसे डाउन पे लाना है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही रैंक वाइज सिस्टम यहीं पे बना लेंगे जो भी होगा, और उसको कस्टम लिस्ट में डाल देंगे, और जहां आपके पास एम्प्लॉय लिस्ट हो उसको इस हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, आपके यूसेज के ऊपर, जैसे आप लाना चाहें, जैसे आपने कुछ जोन डिवाइड कर रखे हैं, आपका मतलब ऑल इंडिया बेस का काम है, जोन डिवाइड कर रखे हैं, तो कई जोन को आपको पहले नंबर पे लाना है, किसी को दूसरे नंबर पे लाना है, तो उन जोन के हिसाब से आप जोन को कस्टम लिस्ट बना के उसमें डाल सकते हैं और वैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपके काम को बहुत तेज कर देती हैं। तो ये जो था, ये सारा आपको मैंने सॉर्टिंग के बारे में बताया। अब चलते हैं फिल्टर, फिल्टर में क्या क्या होता है हमारे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप सॉर्टिंग कर रहे हैं और अगर बीच में यहां पे गैप है,
एक पूरी लाइन जो है इसके बीच में कुछ नहीं है इस डेटा में। तो जो आप आपका सॉर्टिंग वाला फंक्शन जो है वर्क करेगा, वो सिर्फ इतने पे करेगा जितना ये सिलेक्शन में दिखा रहा है, ऐसा ही फिल्टर में होता है। मतलब अगर मैं सॉर्ट करने लगूं तो खाली इतने पे ही वर्क करेगा ये, और इस पे वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही फिल्टर में भी होता है। अगर आपका एक भी डिजिट यहां से जुड़ी हुई है ना, एक भी डिजिट आपकी यहां से जुड़ी हुई है, मतलब पूरी लाइन ब्लैंक नहीं है, कहीं भी कुछ भी पड़ा है, तो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरा डाटा लेगा। तो इसका ध्यान रखें, कई बार क्या होता है एक से ज्यादा ब्लैंक लाइन होती है, कई सारी नीचे हो सकती हैं, तो उस केस में क्या करना है, देखिए आप जोड़ जोड़ना भी नहीं चाहते और सबको लेना भी चाहते हैं फिल्टर में या सॉर्टिंग में, तो उस केस में क्या कर लीजिए, वहां तक उसको ना डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए पहले से। अब जब इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर जाएंगे तो ये पूरा डेटा ही आपका उसमें आएगा, जब मैं सॉर्ट करता हूँ, ठीक है जी, तो जो हमारी ब्लैंक थी वो कहाँ चली गई, नीचे चली गई, ठीक है जी। शॉर्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है क्या? कुछ कीबोर्ड से कुछ कर सकते? शॉर्ट के लिए वैसे तो मैं इससे जाता हूं, Alt-DS, मतलब आपका सिलेक्शन होना Alt चाहिए Alt-DS, तो ये वाला आपका, D हाँ आपका ये खुल जाता है, ये पे। अच्छा ठीक अच्छा है जी। वो लिस्ट है आपके पास जो शॉर्टकट जो कीबोर्ड से करते हैं ना? हाँ वो सुजीत सर ने तो शुरुआत में बताई होगी, नहीं बताई ओके। नहीं मैं शॉर्ट, तो ठीक अच्छा शॉर्टकट की तो मैं दे दूंगा आपको, क्लास दे दूंगा फिर। ओके। मैं तो पेस्ट से चालू किया तो उससे पहले कुछ क्या हुआ तो हाँ किससे चालू किए थे, पेस्ट? क्लास जो है मेरा क्लास जो चालू हुआ तो पेस्ट स्पेशल। अच्छा पेस्ट स्पेशल से, और फिर कस्टमाइजेशन उसके बाद नहीं करवाया था उन्होंने, नहीं पता कस्टमाइजेशन? नहीं। अच्छा मतलब ये वाले ऑप्शन करवाए थे आपको, ये देखिए ये वाले एक्सेल ऑप्शन, हाँ ये किया था, ये किया था। हाँ। तो चलिए फिर शॉर्टकट के लिए मैं आपको बता दूंगा, अलग से बता दूंगा कैसे करते हैं, ओके शॉर्टकट की स्पेशल क्लास दे दूंगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया सॉर्टिंग कैसे करते हैं, और बीच में अगर हमारे पास लाइन है तो उनको कैसे डील करना है। अब देखिए मैंने एक बड़ी अच्छी चीज करी है जिसकी आपको ज्यादातर जरूरत करती रहती है। अब इसमें आपको ना जैसे क्या होता है ना, कई बार आप लाइन डालते हैं, अब आपके पास डेटा होता है ना, मान लीजिए ये डेटा है मेरे पास, ये डेटा है इस जगह पे। अब आपको कई बार क्या क्या काम होता है कि इसके बीच में एक एक लाइन इंसर्ट करनी है, अब ज्यादा होता है तो फंस जाते हैं उसमें, बहुत टाइम लगता है। तो सिंपल सा इसमें एक चीज करिए, आपका ये सॉर्टिंग का एक बगल में एक कॉलम सा बना लीजिए कुछ भी, और यहाँ पे ये 1 से 10 तक, या एक जगह पे 1 डाल दीजिए या 2 डाल दीजिए, यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, इसको ड्रैग करके 17-18 तक काउंटिंग ले आए, इसको कॉपी किया, डाउन में काउंटिंग ले गए, ठीक है जी। एक लाइन इंसर्ट करनी है, अब मैंने क्या करना है, नीचे वाले से जहां लास्ट ये काउंटिंग गई है इससे करके पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया, सॉर्टिंग में आ गया, और लास्ट वाले कॉलम को क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दिया, बीच में एक एक लाइन इंसर्ट हो गई। ये ट्रिक है, उसमें क्या हुआ, मैंने ये काउंटिंग जो थी वो नीचे पेस्ट कर दी, अब वहां ब्लैंक की लाइन थी, उसमें एक उठा के बीच बीच में डालता चला गया। कई बार इसके लिए मैक्रो बनाना पड़ता है, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है।
अभी बाद में वो निकाल देने का। हाँ हाँ, अब मान लीजिए आपको डिलीट करने हैं ये सारे, तो डिलीटिंग में आप सीधा सा यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर लगाइए, और यहाँ से किसी भी सेल को चूज कर लीजिए और यहाँ से ब्लैंक्स इकट्ठे सिलेक्ट कर लीजिए। इनको सिलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए, मतलब लाइन रो डिलीट कर दीजिए उसकी। ये आ गया वापस आपका, ठीक है जी। तो अब देखते हैं फिल्टर सॉर्टिंग में तो इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट हमारे फिल्टर में बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे। अब डेट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो डेट फॉर्मेट में आपको कई बार हम बहुत गलत गलत डेट फॉर्मेट यूज करते हैं, पर जो सही होता है, सही डेट फॉर्मेट की क्या निशानी है ये आपको इस तरह से दिखाएगा। जब आप फिल्टर खोलेंगे तो डेट फिल्टर इस तरह से दिखाएगा। इसमें जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो मंथ आ जाएंगे, पहले ईयर आएंगे आपके, उनके प्लस पे क्लिक करेंगे तो मंथ आ जाएंगे, उन पर करेंगे तो जितनी डेट्स अवेलेबल होंगी वो दिखाएगा आपको। तो मतलब एक सिस्टमेटिक लुक में दिखाएगा। बाकी अगर कोई आपकी डेट उल्टी सीधी पड़ी होगी बीच में तो यहाँ पे अलग से दिखाएगा। सपोज हमने ऐसे डाल दी, यहाँ बीच में कई बार कई लोग उल्टी सीधी डेट डाल देते हैं इस तरह, तो यहाँ पे ये डेट आपको अलग से दिखा दे देगी। और ऐसी डेट्स अगर आप ठीक कर ले तो ज्यादा बढ़िया। आगे इन फ्यूचर में मैं आपको इसको ठीक करने के, एक साथ ठीक करने के भी रास्ते बताऊंगा, एक झटके में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास डेट है, डेट फिल्टर है, तो कभी कई बार हमें ईयरली चूज करना हो या मंथ, कुछ कुछ मंथ चूज करने हो तो यहाँ से एकदम से हटा सकते हैं। जैसे कई बार हमें फाइनेंशियल ईयर चूज करने होते हैं, जैसे इसके मार्च से लेकर, मार्च क्या, अप्रैल से लेकर 2009, यहाँ से करेंगे इसको हटा देंगे। 2008 में हमें जनवरी फरवरी मार्च हटाना है, अप्रैल से लेना है, और 2009 में हमें क्या करना है, जनवरी फरवरी मार्च लेना है। तो एक पूरा फाइनेंशियल ईयर आ गया इसमें। तो फिल्टर तो आप इस तरह से कर लेंगे। बाकी इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे डेट फिल्टर के आगे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये आपको मे भी करने की जरूरत ना पड़े, कई बार आपको यहीं से ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है इक्वल्स, ये सिंपल है, इसमें कोई भी डेट आपकी स्पेसिफिक है, जैसे आप डेट चूज करते हैं तो यहां से चूज कर सकते हैं, आपको वही डेट दिखा देगा। दूसरा ऑप्शन है बिफोर, अब बिफोर थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अब हम कहते हैं कि इसमें किसी पर्टिकुलर डेट से 30 जनवरी से पहले पहले वाली डेट, बिफोर डेट, तो 30 जनवरी से पहले की सारी डेट दिखाना चाहिए। पर एक सेकेंड, दिखा क्यों नहीं रहा है, 30 जनवरी 2009 से पहले की, हम इसको 2008 ले लेते हैं। 30 जनवरी 2008 से पहले की डेट है, यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे आफ्टर, ऐसे ही आफ्टर आपका वर्क करता है। मैंने कहा कि 20 जनवरी 2009 के बाद की डेट दिखा, तो जितने डेट हैं उसने हमने दिखा दी। बिटवीन, किसी एक किसी मन किसी स्पेसिफिक डेट के बीच की डेटें हमने दिखा दी, यहाँ कोई नहीं दिखाया, उल्टी कंडीशन दे दी मैंने। यहाँ पे 2008 यहाँ देना है, आफ्टर और इक्वल टू, और बिफोर और इक्वल टू, तो उसके बीच की डेट दिखा देगा। टुमारो, कल आने वाली कोई डेट हो, कल का तो कोई जिक्र है ही नहीं इसमें,
इसमें कोई डेट ही नहीं है ऐसी। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी डेट चेंज कर देता हूँ इसमें। ताकि फ्यूचर की भी डेट आ पाए। तो कुछ डेट्स मैंने बढ़ा दी हैं। अब इसमें क्या करते हैं, टुडे 4 जून दिखा रहा है, टुडे की डेट्स, या फिल्टर लगा रखे के छोड़ेंगे तो जो भी करंट की डेट के होंगे वो दिखा देंगे, येस्टरडे कल आने वाली डेट में, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते में। मान लीजिए आपके अगले हफ्ते में कुछ चेक एक्सपायर हो रहे हैं, तो आपको डेली के डेली ये लिस्ट आपको दिखती रहेगी नेक्स्ट वीक वाले की, दिस वीक, इस हफ्ते में जो जो है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में जो जो है डेट्स, नेक्स्ट मंथ, आगे आने वाले महीने में। इसी तरह से आपका दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर में, जिसमें क्वार्टर के अंदर आपका जुलाई अगस्त और जो भी क्वार्टर का मंथ होते हैं 3 मंथ, वैसे दिखा दे। नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, इसी तरह से नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में कोई डाटा ही नहीं है, दिस ईयर, इस साल का डाटा, लास्ट ईयर, पिछले साल, ईयर टू डेट क्या है, 1 जनवरी जब से ये वाला स्टेयर स्टार्ट है तब से लेकर आज की डेट तक का डेटा, ईयर टू डेट, ठीक है जी। उसके बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन, ऑल डेट्स इन पीरियड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है, मंथ से रिलेटेड हो, क्वार्टर से रिलेटेड हो, तो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका डेट फिल्टर। बात करते हैं टेक्स्ट फिल्टर की, जहां पे आपका टेक्स्ट का डेटा है, जैसे नेम डाल रखे हैं मैंने कुछ, तो इसमें इक्वल्स, इक्वल्स में कोई पर्टिकुलर नेम लेना है आपने, आप टाइप भी कर सकते हैं और यहां से चूज भी कर सकते हैं, तो कोई ये है, ये तो सिंपल है, सिंपल फिल्टर जैसे काम करता है। डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल अच्छा है कि आप कोई एक बंदा नहीं रखना चाहते, बाकी सारा दिखाना चाहते हैं, तो डज नॉट इक्वल हो जाता है। बिगिंस विद, बिगिंस विद और भी अच्छा है कि हमने कर दिया कि एस से स्टार्ट होने वाले जो नाम एस से स्टार्ट है वो ही दिखाएगा, तो बिगिंस विद आ जाएगा, तो एस से स्टार्ट होने वाले नाम आ गए। देन एंड्स विद, अब एंड्स में हमने कहा कि आई से जिनका नाम की एंडिंग हो रही है वो दिखाए, तो आई से जितने के नाम की एंडिंग हो रही है वो ही सारे दिखा रही है। बिगिंस विद, एंड्स विद, एंड कंटेन्स, कंटेन्स मतलब जिनके नाम के बीच में कोई ऐसा वर्ड हो, मैंने कहा कि डबल ई जिनके नाम के बीच में वो दिखा दे मुझे, तो जिनके नाम के बीच में डबल ई आ रहा है वो सारे दिखा रहे हैं, सारे नाम दिखाएगा। कंटेन्स मतलब बीच में कहीं भी हो। डज नॉट कंटेन मतलब जिनके नाम में ये ना हो, ठीक है जी, इस हिसाब से दिखाएगा। तो ये आपके टेक्स्ट फिल्टर है जो टेक्स्ट में काम आते हैं। बाकी चलते हैं नंबर फिल्टर पे। अब नंबर फिल्टर में क्या होता है, इसमें आपके इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, वो नंबर क्या सेम है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मैंने कहा कि ग्रेटर देन 50 वाले दिखाएगा नहीं, तो ग्रेटर देन 50 वाले दिखाया। इसी तरह से लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है कि जब मैंने 50 डाला था तो 50 से बड़े दिखा रहा था, 50 इंक्लूडिंग नहीं दिखा रहा था, तो ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू क्या होता है कि इंक्लूडिंग 50 और ग्रेटर देन 50,
दोनों दिखाता है। लेस देन फिफ्टी वाले दिखा रहा है। लेस देन और इक्वल टू एक्चुअली इंक्लूडिंग, अगर मैं कहूँ कि इंक्लूडिंग 50, जो इक्वल भी हो, इक्वल हो या फिर उससे छोटे हो, तो वो लेस देन इक्वल टू। बिटवीन मैंने कहा कि 80 से 90 के बीच के वैल्यूज, तो 80 टू से 90 के बीच की वैल्यूज दिखाते हैं। टॉप 10, और टॉप 10 का मतलब है कि ओनली 10 नहीं, आप यहां से नंबर कर सकते हैं, आप टॉप 20 भी कर सकते हैं, टॉप 5 भी कर सकते हैं। टॉप 5 का मतलब है मैक्सिमम वाले 5। मैक्सिमम वाले 5 दिखा रहा है आप। मैक्सिमम वाले 5 दिखा रहा है इसमें। टॉप 5 आइटम्स है एक, और एक चीज है परसेंट। परसेंट में क्या होता है कि वो टोटल जो सेल्स में था, पूरी उसने सेल्स का सम किया, फिर उसके इक्वल टू 5% में जितनी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही थी, टोटल सेल का जो 5% निकाला उसने, और जितनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी कि इसका सम 1163 हुआ, अगर वो टोटल सेल का 5% है, तो इसने वो वाली वो सारी वैल्यूज दिखा दी। तो आइटम और परसेंट में ये फर्क है। अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर ऊपर की वैल्यू, मतलब टोटल में से एवरेज निकाल लिया उसने, एवरेज से ऊपर की वैल्यू। अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज या एवरेज से बिलो की वैल्यू। तो ये आपका टोटल कस्टम फिल्टर है, आपका टोटल जो सॉर्ट एंड फिल्टर है इतना ही है। बाकी इसमें क्या है कि हर एक में आपको ये चीज दिख रही होगी, कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में आपको ये कोई टेक्स्ट या उससे सेपरेटेड नहीं है, सब कुछ ही है इसमें। इसमें इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जितने भी सारी चीजें हैं, बिगिंस विद, कंटेंस, वो सबके ही इसमें आपको मिल जाएगी। तो आप यहां से भी चूज कर सकते हैं। पहले तो ऑप्शन दिए गए हैं, एक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कीवर्ड है, वो मैं आपको समझा देता हूं। हम दोनों जगह लिखते हैं इक्वल्स। अब मैंने कहा कि या तो इक्वल टू अक्षय हो या इक्वल टू अक्षर आओ। अब देखिए यहां पे सिलेक्टेड है एंड का साइन, क्या रिजल्ट आना चाहिए? अक्षय और अक्षरा दोनों सिलेक्टेड है। अगर मैं इसमें से नेम में से दोनों मैं ये कर रहा हूं, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए आपके हिसाब से? हेलो, हाँ जी सर, बताइए। अगर मैं, एच और एस के बीच में जो भी नंबर, इन नहीं, इक्वल्स टू है ना, देखिए पहली क्वेरी मैंने लगा रखी इक्वल्स टू अक्षरा एंड, देखिए मैं खुद में बता देता हूँ। इसमें जब हम नेम में सिलेक्ट किया इक्वल्स टू अक्षय, तो अक्षय में क्या दिखा रहा था हमें? अक्षय वाले ही सारे दिखा रहा था। अक्षय वाले दिखा रहा था। और यहां से अगर मैंने इक्वल्स टू सिलेक्ट किया और एक और नाम ले लिया, तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। कुछ नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? यहां पे मुझे और सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका जो क्राइटेरिया होता है वो हर एक सेल के लिए होता है। मतलब अगर एक सेल में उसे अक्षय मिल रहा है तो ठीक है, ठीक है। एंड का मतलब होता है उसी सेल में अक्षरा भी होना चाहिए।
और उस पे जब हम क्लिक कर देते हैं, मतलब अक्षय हो या फिर अक्षरा हो, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो ये एक ही चीज कंफ्यूजिंग होती है, इसके अलावा और कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं इसमें। एंड और का यूज, एंड का यूज कहाँ करते हैं हम? बिटवीन का जब लगाते हैं हम, तब हम एंड का करते हैं। जब हम वैल्यू बिटवीन लगाते हैं ना, यहां से सेल्स का हमने लगाया और यहां से बिटवीन का लगाया, तो ये एंड का यूज हो रहा है। मतलब वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए या 10 के बराबर होनी चाहिए, और 50 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जहां ट्रू करेंगे वो रिजल्ट दिखाएगा, ये बिटवीन में चलता है। तो ये बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए बस, ठीक है जी।